उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में विशेष मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। 26 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक महिला दिवस मनाया जाएगा। मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित रोडवेज पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही रोडवेज पर LED लगाई, जिसमें महिलाओं को जागरूकता करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के संदेश दिखाए जा रहे थे। कार्यक्रम में विभाग की ARTO छवि सिंह चौहान ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं रोडवेज पर आने वाली सभी महिला यात्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे महिला सशक्तिकरण पर कार्यों की जानकारी देने के लिए सभी लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कमल प्रसाद गुप्ता, RTO प्रवर्तन, छवि सिंह चौहान, ARTO प्रशासन, होरीलाल वर्मा, यात्री मालकर अधिकारी धर्मेंद्र सिंह राठौर, प्रभारी यातायात निरीक्षक निधि चौधरी, प्रभारी महिला थाना निरीक्षक ज्योति सिंह, SI एंटी रोमियो गरिमा सिंह, पराग फाउंडेशन, ऋषि गोपाल यातायात निरीक्षक कपिल रस्तोगी, अभिनव प्रौद्योगिकी आदि लोग उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से मिशन शक्ति प्रोग्राम जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत 8 मार्च को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इस कार्यक्रम का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग एवं NGOs, महिला NGO से संबंधित लोगों के सहयोग से, और हमारा उद्देश्य यही है कि परिवहन विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए। महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा जो जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन सुविधाओं का के लिए जागरूकता प्रदान की जाए, और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। मुख्यतः जो है रोडवेज की बसें या जो हम लोग अपना हम लोग परिवहन के लिए जितने यातायात के माध्यमों का प्रयोग करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट्स में, तो उसमें आने वाली उनके समक्ष समस्याओं का निराकरण किया जाए। ड्राइवर जितने चालक परिचालक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरीके से आप महिला जितने महिलाएं हैं उनके महिला यात्रियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। इन सभी के संदर्भ में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना ही इस आयोजन का मुख्य ध्येय है, और इसी के अंतर्गत हम लोग आज Thank you.